Hi guys, welcome to my channel in Going Viral. So guys, this is another new makeup look. So आप अभी फिलहाल में देख ही चुके हैं कि इस तरह का मेकअप लुक मैं क्रिएट करने वाली हूँ. यू लाइक दिस वीडियो सो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन. सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो. सो गाइस, इस लुक को आप संगीत पे वियर कर सकते हो, अपनी मेहंदी पे भी वियर कर सकते हो, अपनी इवन हल्दी पे भी वियर कर सकते हो. तो ये लाइक ऑल टाइप ऑफ. फर्स्ट स्टेप इज अ प्राइमर, ऑब्वियसली प्राइमर ही होता है. तो मैं प्राइमर लूँगी यहाँ पे हुडा ब्यूटी जेल बेस्ड प्राइमर. मैं आज एक न्यू टेक्निक करने वाली हूँ. मैं आज लूँगी इल्यूमिनेटर. यस, बट मैं इल्यूमिनेटर बाहर से नहीं खरीदा है, दैट्स माई DIY इल्यूमिनेटर. सो इसकी भी वीडियो जल्द आएगी, बट राइट नाउ आई एम यूजिंग माय DIY इल्यूमिनेटर. मैं मेरे होममेड इल्यूमिनेटर अपने प्राइमर के साथ मिक्स करके लगाऊंगी. आई ब्लेंडिंग के लिए मैं एक ब्रश लूंगी और इसके हेल्प से मैं इसे ब्लेंड करूंगी. इल्यूमिनेटर आप देख सकते हो कितना शाइन कर रहा है फेस. के बाद है हमारी फाउंडेशन की बारी. तो मैं फाउंडेशन के लिए ले रही हूँ बी ब्लश पैलेट. इट्स लुक्स लाइक दिस और इसमें बहुत ब्यूटीफुल शेड्स हैं. गाइस, नेक्स्ट स्टेप इज अ कंसीलर. तो मैं यहाँ का कंसीलर ले रही हूँ. कॉन्टोर, तो मैं कॉन्टोर के लिए ले रही हूँ NY का कॉन्टोर. गाइस, हमारा कॉन्टोर एंड कंसीलिंग हो चुकी है. अब इट्स टाइम फॉर सेट अप अ फेस. तो उसके लिए मैं लूँगी पाउडर. तो मैं यहाँ पे ले रही शिवाना का लूज पाउडर. मैंने अभी आई शेडो नहीं किया है तो इसलिए मैं थोड़ा बेक करूँगी. छोड़ देना अंडर आइज में, ये फॉल आउट होगा आई शेडो का तो वो पाउडर में ही आएगा, तो वो उससे डस्ट इट ऑफ आसानी से हो जाएगा. ओके, इट्स टाइम फॉर ब्राउज. मैंने सबसे पहले कोई भी आईब्रो ब्रश, तो मेरे पास ये 2-in-1 आईब्रो ब्रश है, जिससे एक साइड में कॉम है और दूसरी साइड में ब्रश. तो मैं इसको मोस्टली यूज़ करती हूँ. टेक आईब्रो पैलेट एंड एंगल ब्रश. आईब्रो पैलेट बाई 10-10 एंड आईब्रो ब्रश लुक्स लाइक दिस. आपकी चॉइस है, आप चाहें तो आप पूरी ब्राउ सेट कर सकते हैं. मैं बस नीचे ही सेट करती हूँ थोड़ा बहुत. After setting my brows, अब हम चलते हैं आई शेडो की तरफ. तो मैं सबसे पहले ले रही हूँ मैट आई शेडोज. इट्स लुक्स लाइक दिस. लाइन दिखती होगी, ये जो सर्कल वाली लाइन है, ये जो लाइन है, लाइन के ऊपर ऊपर लगाना है, हमें अभी तक लगाना है कुछ इस तरीके से. ऐसे ही मैं सिमिलर के साथ करूँगी आगे तक. नेक्स्ट शेड मैं एक ग्रीन शेड लूँगी. आफ्टर ग्रीन मैं लूँगी यहाँ पे पर्पल शेड मैट में ही. तो यहाँ से यहाँ पे जाएंगे बस. अब हम कट क्रीज देंगे अपनी आईज में. कट क्रीज देना इतना भी मुश्किल नहीं होता. तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कंसीलर, और कंसीलर को मैं अपने हैंड पे अप्लाई कर लूँगी, जिससे बहुत इजीली मैं इसको ले सकूँ और मेरा कंसीलर भी गंदा ना हो. इस ब्रश से हम इस शेड को लेंगे एंड हमें क्या करना है, सी माय आईज. तो आप देख रहे हो ये जो लाइन जा रही है यहाँ से यहाँ पर, ये जो लाइन, ये जो मुड़ी लाइन, ये तो है बट इसी से आगे यहाँ पर. ग्रीन को पूरा छुपाना नहीं, क्योंकि ग्रीन हमें देना है. एड आवर सेंट एंड शेड विच इज़ आई येल्लो. तो मैं येल्लो शेड दे रही हूँ सबसे पहले. डस्ट इट ऑफ कर लेती हूँ अपने पाउडर को.
डस्टेड ऑफ माय पाउडर. सो इट्स टाइम फॉर काजल. तो मैं सबसे पहले लगाऊंगी काजल, मेकअप का काजल, एंड इसको अपने अपर वाटर लाइन में लगाएंगे. अपर वाटर लाइन के साथ साथ हम एक छोटा सा लाइनर भी ड्रॉ करेंगे. अपर थोड़ा सा निकालेंगे, लिटिल बिट मर्ज कर लेंगे. तो मैं ब्लश के लिए ले रही हूँ दिस वन शेड, पिंक शेड और ऑरेंज शेड को मिक्स करूँगी. सो या हेयर इज इट. तो सबसे पहले मैं पिंक शेड से आउटलाइन करूँगी. ब्रश लेते हैं. सो लिपस्टिक इज डन. सो नेक्स्ट इज अ हाइलाइटर. इसके लिए ले रही हूँ मैं मिस रोज के ग्लो किट पैलेट. नेक्स्ट मैं लूंगी शिमरी आई शेडोज लाइक दिस. सो जिस तरीके से करना है हमें चाहिए येलो शेड. फिर अभी फाइनल लुक के साथ मैं आती हूँ आपके सामने. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट बाय.